साउथ अभिनेता धनुष जो एक परफेक्ट हस्बैंड मटेरियल हैं, जो ना ड्रिंक करते हैं ना स्मोक और तो और अपने परिवार से भी बेहद प्यार करते हैं, पर उसी धनुष को छोड़ दिया इनकी ही पत्नी ऐश्वर्या ने। रजनीकांत की बेटी ऐश्वर्या ने इन्हें तलाक देकर अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। लेकिन क्यों, आखिर अगर धनुष इतने ही अच्छे शख्स हैं तो इनकी पत्नी ने इनके अंदर ऐसी क्या बुराई देखी जो इन्हें छोड़ दिया? आखिर क्या वजह रही थी कि दोनों के तलाक की? इसी राज से पर्दा आज की इस वीडियो में हम उठाने वाले हैं, मगर उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के विनम्र स्वभाव वाले अभिनेता धनुष ने 18 नवंबर साल 2004 को रजनीकांत की सबसे बड़ी बेटी ऐश्वर्या से शादी की थी, जिसके बाद दोनों ने लगभग 18 साल एक दूसरे के साथ बिताए और इन 18 सालों में दोनों के बीच दोस्ती, कपल और पेरेंट्स का रिश्ता बना। मगर एक दूसरे के साथ 18 साल बिताने के बाद इन्होंने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया और 17 जनवरी साल 2022 को दोनों तलाक लेकर एक दूसरे से अलग हो गए, जिसका खुलासा खुद दोनों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर कर दिया था। पर जब से ये दोनों अलग हुए हैं तभी से ये सब सोच रहे हैं कि आखिर इतने अच्छे अभिनेता यानी धनुष को आखिर ऐश्वर्या ने क्यों छोड़ा है, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। तो दरअसल वजह है कि धनुष एक वर्कहोलिक किस्म के शख्स हैं, जो अपने काम के आगे कुछ नहीं सोचते हैं और ना ही किसी चीज को अहमियत देते हैं। इसी के साथ बताया जाता है कि अक्सर जब भी धनुष और ऐश्वर्या के बीच लड़ाई झगड़े या फिर आर्गुमेंट होती थी तो धनुष एक नई फिल्म साइन करना पसंद करते थे, क्योंकि ऐसा करके वो इस सिचुएशन से दूर रह सकते थे। पर इस चीज का असर उनके रिश्ते और उनकी फैमिली पर बहुत ही बुरा पड़ा और दोनों के बीच दूरियां आ गईं। इसी के साथ धनुष ने OTT प्लेटफॉर्म और अपने प्रोडक्शन हाउस के लिए काम में व्यस्त रहना भी शुरू कर दिया, जिसकी वजह से कपल के 6 महीने काफी मुश्किल से बीते और इन 6 महीनों में ही दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का मन भी बना लिया। और तो और दोनों काफी समय से अपनी लाइफ प्राइवेटली जी रहे थे। दोनों अपने अपने कामों में इतने व्यस्त हो गए थे कि अलग होने के बाद दोनों पर इस चीज का ज्यादा असर नहीं पड़ा और दोनों आसानी से एक दूसरे से अलग हो गए। इस तरह धनुष के हर एक सिचुएशन से भाग जाना, उसे कभी सॉल्व नहीं करना और न ही रिश्ते को टाइम ना दे पाने वाले बिहेवियर की वजह से ऐश्वर्या ने इन्हें छोड़ने का फैसला लिया और फिर दोनों कपल ने आपसी सहमति से 17 जनवरी साल 2022 को एक दूसरे से डिवोर्स ले लिया। तो दोस्तों, क्या आपको ऐश्वर्या का फैसला सही लगता है? आप हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।